नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये किताब जो ऑब्जेक्टिव किताब है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड किताब है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 17 का तीसरा पार्ट, तो चैप्टर नंबर 17 जो आपका बायोलॉजी का है उसका थर्ड पार्ट, तो उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका चैप्टर नंबर 17 का थर्ड पार्ट आ गया है, तो इसका नाम है जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट होगा। और बाकी इसका दो भाग जो है आपका, दो पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन है, इन ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ टॉल पी प्लांट्स टीटी बियरिंग वायलेट फ्लावर्स वॉज डन विथ शॉर्ट पी प्लांट्स टीटी बियरिंग वाइट फ्लावर्स द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल प्लांट कैन बी विच ऑफ दिस मेकअप इज करेक्ट। तो पहला ऑप्शन है टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू, दूसरा टी टी डब्ल्यू डब्ल्यू स्मॉल मोल, तीसरा टी स्मॉल टी और डबल कैपिटल डबल डब्ल्यू जो है, और चौथा ऑप्शन है टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। तो आपको क्वेश्चन आंसर बताना है, इन ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ब्रीडिंग ऑफ ए टॉल टी प्लांट कैपिटल टी टी बियरिंग वायलेट फ्लावर वॉज डन विथ शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट द जेनेटिक मेकअप ऑफ टॉल पेरेंट कैन बी। तो विच ऑफ दिस मेकअप्स इज ए करेक्ट, ऑप्शन ए वन एंड टू ओनली, ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली, ऑप्शन सी फोर ओनली, ऑप्शन डी थ्री ओनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री, अच्छा ऑप्शन नंबर डी थ्री ओनली। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर थ्री, ठीक है। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल जो है डब्ल्यू दो बार। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच वन इज करेक्टली मैच, तो आपका कौन सा इसमें सही मैच है। ऑप्शन ए है डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोजोम प्लस एक्स ओ, ऑप्शन बी है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोजोम प्लस XXY, ऑप्शन सी है एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फर्टेलिस एक्स लिंक, ऑप्शन डी है कलर ब्लाइंडनेस वाई लिंक्ड, ठीक है। तो इसका जो रॉन्ग मैच है वो आपका बी है क्लिफनर्स क्लीन फिल्टर सिंड्रोम 44 ऑटोजोम प्लस XXY, ये गलत है। डाउन सिंड्रोम 44 ऑटोजोम प्लस एक्स ओ सही है। एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फर्टेलिस प्लस जो है एक्स लिंक सही है। कलर ब्लाइंडनेस वाइल्ड लिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीन इज, तो जीन क्या है आपका, ए ऑप्शन ए पार्टिकुलर डीएनए सेगमेंट विच डिटरमाइंस हेरिडिटी ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट, ऑप्शन बी हाल्फ डीएनए सेगमेंट ऑफ सोमैटिक सेल्स, ऑप्शन सी होल डीएनए, ऑप्शन डी हाल्फ डीएनए सेगमेंट। तो जीन इज ऑप्शन नंबर ए पार्टिकुलर डीएनए सेगमेंट विच डिटरमाइंस हेरिडिटी ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 74 है, फाइंड आउट द मिसमैच, तो आपको इसमें से गलत को चुनना है। ऑप्शन ए है क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम 100, ऑप्शन बी है हेमोफीलिया एक्स लिंक, ऑप्शन सी है डाउन सिंड्रोम ऑटोजोमल एन्यूप्लॉयडी, ऑप्शन डी है टर्नर सिंड्रोम फीमेल विथ रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो 74 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम, ठीक है 100। तो ये गलत है, बाकी सब सही है। हेमोफीलिया सेक्स लिंक डाउन सिंड्रोम ऑटोजोमल एन्यूप्लॉयडी और टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 75 है, द जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज, द जीन विच एग्जिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज, ऑप्शन ए पॉलीजीन, ऑप्शन बी स्यूडोजीन, ऑप्शन सी प्लीटोट्रॉपिक, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। तो 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लियोट्रॉपिक, ठीक है। द जीन विच एग्जिबिट मल्टीपल इफेक्ट इज नोन एज प्लियोट्रॉपिक। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ ए परमानेंट चेंज इन देयर सेल्स डीएनए। और पहला है रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, दूसरा है एक्सरे टेक्नीशियन, और तीसरा है कोल माइनर, चौथा है डायर एंड प्रिंटर। तो
आपका बताना है कौन सा इसमें सही है। ऑप्शन ए टू अलोन, ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री अलोन, ऑप्शन सी वन टू एंड फोर अलोन, ऑप्शन डी वन थ्री एंड फोर अलोन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वन टू एंड फोर अलोन। ठीक है, वन टू एंड फोर। तो रिसर्चर्स यूजिंग कार्बन 14 आइसोटोप, एक्सरे टेक्नीशियन और जो है डायर एंड पेंटर। ठीक है, कोल माइनर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू इस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू इस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। ऑप्शन ए प्रोटीन एनालिसिस, ऑप्शन बी क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डीएनए, ऑप्शन सी क्रोमोजोम काउंटिंग, ऑप्शन डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू इस्टैब्लिश द पैटर्निटी ऑफ ए चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। क्वेश्चन नंबर 78 है, वन को दो से मिलाना है। तो आप लिस्ट वन में थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वन जीन और वन एंजाइम हाइपोथेसिस और डी है ओपीरोन कॉन्सेप्ट। लिस्ट दो है विडल एंड टैटूम, लिस्ट दो में जैकोब एंड मोनोड, थ्री आपका डार्विन, चौथा है डी ब्राइस। ठीक है, तो आपका इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक आपका हो जाएगा फोर, ठीक है, और बी का हो जाएगा थ्री, सी का हो जाएगा वन और डी का हो जाएगा टू। तो आपका जो है थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है आपका डी ब्राइस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, ठीक है, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, तो आपका जगह बीटेल एंड टाटूम ऑफ इरोन कॉन्सेप्ट, तो आपका जगह जैकोब एंड मोनोड। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन जो है आपका डी ब्राइस, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस बीटेल एंड टाटूम ऑफ इरोन कॉन्सेप्ट जैकोब एंड मोनोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 है, हेमजोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू। तो हेमजोफीलिया इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड टू, ऑप्शन ए डिक्रीज इन हेमोग्लोबिन लेवल, ऑप्शन बी रियूमेटिक हार्ट डिजीज, ऑप्शन सी डिक्रीज इन WBC, ऑप्शन डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 80 है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन ए कह रहा है इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी जीन, रीजन आर है द बीटी जीन इज डिराइव फ्रॉम ए बैक्टीरियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों सही है लेकिन आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग बीटी जीन, द बीटी जीन इज डिराइव फ्रॉम ए बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 81 है, असर्शन ए ओरिजिन आर। तो असर्शन ये कह रहा है डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, तो डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल, रीजन है डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तो डॉली वाज द फर्स्ट क्लोन्ड मैमल ये सही है और आपका रीजन गलत है, डॉली वाज प्रोड्यूस्ड बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज सेक्स लिंक्ड, ऑप्शन ए रॉयल हेमोफीलिया, ऑप्शन बी ट्रेस सच एज डिजीज, ऑप्शन सी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रॉयल हेमोफीलिया। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक डिजीज इज सेक्स लिंक, तो ऑप्शन नंबर है रॉयल हेमोफीलिया। ठीक है, क्वेश्चन 83 है, असर्शन ए और रीजन आर है, तो इन ए ह्यूमन बींग द फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, रीजन आर है वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोजोम। तो असर्शन है इन ह्यूमन बींग द फीमेल प्ले ए मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग और रीजन आर है वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोजोम। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए इज फॉल्स, बाकी आर इज ट्रू। ठीक है, तो इन ह्यूमन बींग द फीमेल प्ले ए
मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ये आपका गलत है, और वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम, ये सही है। ठीक है, assertion और रीजन, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम ए पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। तो assertion है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम ए पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल इन रेप एंड असॉल्ट केसेस। आर रीजन आर है ट्रेस इविडेंसेस सच एज हेयर सलाइवा एंड ब्राइट सीमेन आर एडवोकेट फॉर डीएनए एनालिसिस। तो ट्रेस इविडेंसेस सच एज हेयर सलाइवा एंड ब्राइट सीमेन आर एडवोकेट फॉर डीएनए एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो बोथ आपका दोनों सही है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हैज बिकम ए पावरफुल टूल टू एस्टैब्लिश पैटर्निटी एंड आइडेंटिटी ऑफ क्रिमिनल इन ए रेप एंड असॉल्ट केसेस, सही है। ट्रेस एविडेंसेस सच एज हेयर सलाइवा एंड ब्राइट सीमेन आर एडवोकेट फॉर डीएनए एनालिसिस, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 85 है इंसेक्ट रेसिस्टेंट, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट कॉटन प्लांट हैव बीन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बाय इंसर्टिंग ए जीन फ्रॉम ए। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी बैक्टेरियम, ऑप्शन सी इंसेक्ट, ऑप्शन डी प्लांट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी बैक्टेरियम। क्वेश्चन नंबर 86 है व्हेन वन जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली द फेनोमेना इज कॉल्ड। तो व्हेन वन जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली द फेनोमेना इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए अपोमिक्सिस, ऑप्शन बी प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन सी पॉलीप्लॉइडी, ऑप्शन डी पॉलीटेनी। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्लियोट्रॉपी। तो व्हेन वन जीन कंट्रोल्स टू और मोर डिफरेंट कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली द फेनोमेना इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज ए न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज ए न्यू बायोटेक्नोलॉजिकल अप्रोच फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ऑप्शन बी इंटरफेरॉन, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 88 है मिलाना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से। तो ऑप्शन ए है आपका ए में डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन, बी आपका एस्टैब्लिशिंग द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सी है आपका आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ई कोली, और डी आपका एस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड। तो लिस्ट दो में खुराना, कुरेनबेरी, लीडरबर्ग और मॉर्गन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ए का 3 है, बी का जो है 4 है, और सी का 2 है, और डी का 1 है। तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुकेशन, लीडरबर्ग, एस्टैब्लिशिंग द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, तो मॉर्गन ने किया है इसको, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम इकोली, क्रोनबेरी और एस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड खुराना। ठीक है, ये आपका सही है। तो डिस्कवरी ऑफ ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुकेशन, तो लीडरबर्ग, एस्टैब्लिशिंग द सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, मॉर्गन आइसोलेशन ऑफ डीएनए पॉलीमर्स फ्रॉम इकोली क्रोनबेरी और एस्टैब्लिशिंग द कंप्लीट जेनेटिक कोड पुराना। क्वेश्चन नंबर 89 है व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। तो व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ वीट, ऑप्शन ए प्रीटिकम, ऑप्शन बी ओरिजा सैटिवा, ऑप्शन सी फासिओलस मुंगो, ऑप्शन डी पीसम सैटिवम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फासिओलस मुंगो। क्वेश्चन नंबर 90 है क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड बस। तो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड बस, ऑप्शन ए एड्स पेशेंट, ऑप्शन बी डीप, ऑप्शन सी हेमोफिलिया, ऑप्शन डी कलर ब्लाइंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड बस हेमोफिलिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 है एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन और डीएनए सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोजोम, हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस। ठीक है,
तो एट प्रेजेंट साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द अरेंजमेंट और रिलेटिव पोजिशन ऑफ जीन और डीएनए सीक्वेंस ऑन ए क्रोमोजोम। हाउ डज दिस नॉलेज बेनिफिट अस, तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक और इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स, और आपका दूसरा गलत है, तो इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन डिजीज, ये गलत है। तो आपका पहला और तीसरा सही है, तो इट इज पॉसिबल टू नो द पेडिग्री ऑफ लाइव स्टॉक और इट इज पॉसिबल टू डेवलप डिजीज रेसिस्टेंट एनिमल ब्रीड्स। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन ए इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन बी इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, ऑप्शन सी इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन सी इफेक्टेड पर्सन हैज फॉरवर्ड टंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग। तो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट डाउन सिंड्रोम, तो इफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अर्ली एजिंग, बाकी आपका सब सही है, तो इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर और इफेक्टेड पर्सन हैज मेंटल रिटार्डेशन और इफेक्टेड पर्सन हैज फ्रोट टंग। क्वेश्चन 93 है, द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वॉस ए, दो 93 है द फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल डॉली वॉस ए, ऑप्शन नंबर डी सीप, ठीक है आपका सीप था। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल इज, ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 46, तो आपका ऑप्शन नंबर डी 46 सही है। 95 है जेनेटिक्स डील्स विद, तो आपका जेनेटिक्स डील्स विद ऑप्शन ए मेंडल्स लॉ, ऑप्शन बी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑप्शन सी डीएनए स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हेरिडिटी एंड वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 96 है, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, तो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन ऑप्शन ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 97 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, ऑप्शन ए ब्लेंडिंग ऑफ जीन, ऑप्शन बी क्रोमोजोमल चेंजेस, ऑप्शन सी शफलिंग ऑफ जीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स, क्रोमोजोमल चेंजेस और आपका शफलिंग ऑफ जीन। क्वेश्चन नंबर 98 है, व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यूनिट द फेनोमिनन इज रेफर टू अस, तो व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट्स ऑफ द अदर यूनिट द फेनोमिनन इज रेफर टू अस, ऑप्शन ए नन ऑफ द ऑप्शन, ऑप्शन बी एपिस्टासिस, ऑप्शन डी ऑप्शन सी डोमिनेंस, ऑप्शन डी म्यूटेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी एपिस्टासिस। तो व्हेन वन जीन पेयर हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यूनिट द फेनोमिनन इज रेफर टू एस एपिस्टासिस। क्वेश्चन 99 है, विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो विथ रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फंक्शनल क्रोमोजोम्स कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो विच रेफरेंस टू द रिसेंट डेवलपमेंट इन साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो आपका ये गलत है, तो फंक्शनल क्रोमोजोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, बाकी सब सही है। पीसेस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल डीएनए कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज, ए पीस ऑफ डीएनए टेकन आउट फ्रॉम एन एनिमल सेल्स कैन बी मेड टू रिप्लिकेट आउटसाइड ए लिविंग सेल इन ए लेबोरेटरी, और सेल्स टेकन आउट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बी मेड टू अंडरग्रो सेल डिवीजन इन ए लेबोरेटरी पेट्री डिशेस। क्वेश्चन नंबर 100 है, विच व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोजोम रिजल्ट इन ए फीमेल, तो व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ ए पैटर्नल क्रोमोजोम रिजल्ट इन ए फीमेल, ऑप्शन ए जेड एक्स, ऑप्शन बी डबल एक्स, ऑप्शन सी वाई जेड, ऑप्शन डी एक्स वाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डबल एक्स बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 17 का जेनेटिक्स का,
इन मई 2019 साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस द इंटायर जीनोम ऑफ तो इन मई 2019 साइंटिस्ट फ्रॉम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इन हैदराबाद फॉर द फर्स्ट टाइम सीक्वेंस द इंटायर जीनोम ऑफ ऑप्शन ए नीलगिरी थार ऑप्शन बी एशियाटिक लायन ऑप्शन सी लायन टेल मकाऊ ऑप्शन डी एलिफेंट तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एशियाटिक लायन ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट हो गया। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 18 ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।